होने वाले चेन छीनने की 11 वाकयात के केसेस को हल कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे का तजिया किया और एक खसूसी टीम तश्कील दी जो चेन स्नैचिंग वालों का सुराग लगा रही थी। उन्होंने जम्मू के छन्नी के इलाके में एक खातून से चेन स्नैचिंग की कोशिश करते हुए दो चेन स्नैचर्स को रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं जानीपुर पुलिस ने भी दो चेन स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है। इस तरह जम्मू पुलिस ने चेन स्नैचिंग के कुल 11 मामले हल किए हैं और 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 2 चेन स्नैचर्स का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है और 2 जम्मू के मकामी चोर हैं। कल सुबह 28 सितंबर को हमारी एक टीम जो कि छन्नी हिम्मत में थी, उन्होंने इन स्नैचर्स को स्पॉट किया, इनका पीछा करना शुरू किया और पूरे सिस्टम को अलर्ट किया गया। जब ये स्नैचर्स त्रिकुटा नगर पहुंचे, इनको ये इलम नहीं था कि इनके पीछे सीवीज में हमारी टीम लगी है और सभी तरफ से इन्हें घेर लिया गया है। वहां पे इन्होंने एक लेडी की चेन स्नैच की और उसके कुछ दूर ही हमारी जो टीम्स थी उसके बाद इनको पकड़ लिया गया। जब पुलिस स्टेशन त्रिकुटा नगर इन्हें लेके आए तो इनके नामों के बारे में पता लगा, ये कहां के रहने वाले हैं। इन दोनों के नाम धर्मिंदर कुमार और राम सेवक शामली यूपी के ये लोग रहने वाले हैं और जो इन्होंने त्रिकुटा नगर में स्नैचिंग की थी वो चेन हमने मौके पे जब्त की, अपने पोजीशन में ली, उसको कस्टडी में लिया। इनकी इंटेरोगेशन के बाद हमें ये पता लगा कि जो बाकी 5 इंसिडेंट्स हैं स्नैचिंग के उनको भी इन्होंने ही अंजाम दिया है और सांबे जिले में इन्होंने वो चेन्स छुपा के रखी थी। हमारी टीम्स ने कल वहां से ये चेन्स को रिकवर किया। आज हमारे बीच में जो इन चेन्स के राइटफुल ओनर्स हैं वो भी मौजूद हैं, ये अपनी चेन्स की शनाख्त के लिए आए हुए हैं और लीगल प्रोसेस के बाद इन्हें ये चेन्स को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इन दोनों की सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग से ये भी पता लगा है कि ये पिछले 4 साल से दोनों स्नैचर्स सक्रिय हैं और इन्होंने काफी सारी वारदातें स्नैचिंग की हैं, जिसमें कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, यूपी है, हरियाणा है और पंजाब है। इसके बाद हम लोकल पुलिस से टाई अप करेंगे बाहर के प्रदेशों की, ताकि जहां जहां पे भी ये इन्वॉल्व होंगे इनकी कस्टडी चेंज होके उनको वहां पे गिरफ्त में लिया जा सके और उनकी भी रिकवरीज हों। अब मैं जम्मू नॉर्थ की बात करता हूं तो यहां पे केनाल रोड पे रूपनगर में, जानीपुर में और पलोड़ा में कुछ स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हुए। पिछले 10 साल में जिन्होंने भी स्नैचिंग के इंसिडेंट्स किए थे और जो लोग हमारी गिरफ्त में आए थे उनको हमने फिर से